हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीटस इन फीटू क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो फीटस इन फीटस क्या होता है। दोनों सेम ही टर्म है, चलिए समझते हैं। 2015 में एक बहुत ही अजीबोगरीब सा केस मेडिकल साइंस को देखने को मिलता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं था, वो हम हिस्ट्री देखेंगे कि ये केस इससे पहले कब दर्ज किया गया था, लेकिन होता क्या है 2015 में वो जानते हैं। एक बेबी जन्म लेती है 2015 में हांगकॉन्ग में, और बाद में ये पता चलता है कि उस बेबी के अंदर एक और बेबी डेवलप हो रहा है। तो ये हैरान कर देने वाली ही बात है, और इस हैरान कर देने वाली बात को ही फीटस इन फीटू या फिर फीटस इन फीटस कहते हैं। तो आई होप कि अब ये टर्म तो समझ लग ही गया होगा आपको, यहाँ पे समझाने को कोई बात है ही नहीं। और मोस्टली यहाँ पे एक और बात बताते चलूँ कि ये जब केस होता है एक बच्चे के अंदर, जब एक और ऑलरेडी बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है, तो मोस्टली ये जो केसेस है जिसको आप फीटस इन फीटू कहते हो, वो बेसिकली ट्विंस होते हैं। मतलब कि जिस बेबी ने जन्म लिया उसके अंदर जो ऑलरेडी बेबी डेवलप हो रहे हैं वो ट्विंस होते हैं इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। और यहाँ पे ये जो केसेस ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, दे आर वेरी रेयर इन नेचर। 5 लाख बर्थ्स में से सिर्फ एक ऐसा केस आपको देखने को मिलता है। और मेडिकल हिस्ट्री की अगर अभी तक बात करें तो सिर्फ 200 केसेस अभी तक मेडिकल साइंस ने ऐसे दर्ज किए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे रीजंस क्या है। देखिए, इसके पीछे क्या रीज़न है ये अभी तक मिस्ट्री है। अभी भी हमें नहीं मालूम है कि इसके पीछे कौन सी फोर्सेस कार्य करती हैं। हाँ जी, इसके लिए कुछ थियोरीज जरूर दी गई है, थियोरीज जरूर दी गई है कि क्यों ऐसा हो सकता है, लेकिन वो स्टिल अभी थ्योरीज है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रूफ नहीं है। हमें नहीं मालूम है कि ये ऐसा होता क्यों है, तो उस थ्योरी पे भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर ये 2015 का केस था तो अभी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में भी अभी इस तरीके का ही एक केस अभी आपको देखने को मिला है। लेकिन इस केस में जो हम पर्सन की बात कर रहे हैं, वो एक गर्ल है जिसकी कि 17 ईयर्स ओल्ड है। तो इससे पहले जो हमने केस देखा था वो एक न्यू बॉर्न बेबी का केस था, लेकिन यहाँ पे 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात तो आपको समझने को मिला होगा कि ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है, ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस बात से हमें प्रूफ मिलता है। तो बेसिकली इस केस में था क्या कि इनको पेट में पेन की शिकायत थी, एंड देन शी विजिटेड हॉस्पिटल, और वहाँ से फिर ये बात चलता है, पता चलता है कि उनके अंदर ट्विंस ग्रो कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन को फीटस एंड फीटू कहते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में इस तरीके के केसेस जो है, लगभग 8 ऐसे केसेस अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। और 8 बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एडल्ट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है कि दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें इस तरीके के केसेस नोटिस किए जाते हैं। इससे पहले अगर आपने नोटिस किया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक मैंने भी पढ़ा था 7 से 8 महीने पहले की शायद ये बात रही होगी, तो उस समय ये वाला न्यूज़ जो था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। एक एडल्ट मैन था, अब यहाँ पे देखिए जेंडर भी चेंज, यहाँ पे एक मैन था, उसके अंदर भी डेवलप हो रहा था ये। ठीक है, उसके अंदर एक ट्विंस डेवलप हो रहे थे। तो इस पूरे केस को क्या कहा जाता है, फीटस इन फीटू कहा जाता है। चलिए, तो वो जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे कि अभी एक मिस्ट्री बना हुआ है मेडिकल साइंस के लिए कि ये बेसिकली इसके पीछे कौन से फोर्सेस कार्य करती हैं। लेकिन हाँ जी, यहाँ पे कुछ थियोरीज दी गई। थियोरी क्या कहती है, एक जो थियोरी है वो ये कहती है कि शायद ये ट्विंस ना होके ये ट्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मतलब कि एक थ्योरी ये कहती है कि ये शुरुआत में ये ट्यूमर्स होते हैं, फिर बाद में ये कैसे बेबी का जन्म ले लेते हैं। इसके पे कोई भी यहाँ पे रोशनी नहीं डाली गई इस बात पे। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ट्यूमर्स हो सकते हैं, लेकिन ट्यूमर्स के अलावा जो दूसरी थ्योरी जो है वो ये कहती है कि इस केस में क्या है कि हाँ जी, यहाँ पे ट्विंस ही होते हैं, वो डेवलप भी होते हैं, और ब्लड सप्लाई जो है वो कॉमन ही होता है दोनों के लिए, दोनों ही यहाँ पे ब्लड सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक बात हमें नोटिस करनी चाहिए कि अगर ट्यूमर है या फिर यहाँ पे ट्विंस ग्रो कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और हमें मालूम कैसे चलेगा। देखिए, अगर तो है ट्यूमर्स, अगर ट्यूमर है, मान लीजिए अगर हम मान के चले कि ट्यूमर है, तो उस केस में क्या होगा कि जो जब पेन होगा है ना, या फिर एबनॉर्मल सी चीज़ें जब आपके बॉडी के साथ होनी शुरू होंगी, तो उस केस में क्या होगा कि ये पेन का जो एरिया है ये वेरी करेगा, ये चेंज करेगा, है ना। ट्यूमर है फिर ये पोजीशन बदलेगा, तो ये जहाँ जहाँ पे इसकी लोकेशन होगी फिर उस तरीके से पेन जो है अलग अलग रीजन्स में होंगे। लेकिन इनकेस अगर हम बात करें कि यहाँ पे ट्विंस डेवलप हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो सिर्फ पेट में ही पेन होगा। तो ये बस ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया गया है। एक केस में ये देखा जाता है कि ट्यूमर्स ही होता है, दूसरे केस में ये बताया गया है कि हाँ जी ये ट्विंस हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कौन से फोर्सेस काम करते हैं, स्टिल दिस इज़ अ मिस्ट्री फॉर मेडिकल साइंस।
अच्छा, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? सबसे पहले इस तरीके का कोई डेवलपमेंट होता है, ये ह्यूमैनिटी को कब पता चला? तो ये 18th सेंचुरी से ही मतलब एग्जिस्टेंस में है, ठीक है? आपने याद रखना है 18th सेंचुरी से ये टर्म जो है इस्तेमाल में है, ये नया कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।